कोरोना को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है। इसको देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी लोगों से संयम बरतने की अपील की है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि लोग अधिक भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाते समय मास्क का प्रयोग करें और बहुत जरूरी हो तभी ऐसे स्थान पर जाएं। इसी बीच ऋषिकेश में एक विदेशी महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनको आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। हालांकि कुछ दिन पूर्व कोरोना संक्रमित मिली 72 वर्षीय महिला का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें JN1 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। महिला अब रिकवर हो चुकी है और पूरी तरह से स्वस्थ है। अभी तक उत्तराखंड में एक नया सब वेरिएंट JN1 मिला है। देखिए, जो ये अभी नया वेरिएंट आया है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और ऐसी कोई गंभीर स्थिति में तो ये वेरिएंट अभी नहीं है, लेकिन तो भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि अभी आप देखिए कि जिस प्रकार से लोग पहले से जागरूक हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम पे जो हमारे सामने इस प्रकार की समस्याएं आती है, तो सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है और जनता से भी हम आग्रह करेंगे वो खुद में अपनी जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले काम किया उसी प्रकार से काम करेंगे।